हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस की जो क्लासेस होने वाली है, आगे यूपीपीएससी मेंस की भी क्लासेस होने वाली है, टेस्ट सीरीज़ भी होने वाली है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे पास जो ऑप्शनल पेपर की जो क्लासेस अवेलेबल है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और LSW, इतनी की ऑप्शन अभी अवेलेबल है। और भी ऑप्शन आगे जाके ऐड कर दिया जाएगा, और इतना ही जिसके अंदर LSW हट जाएगा UPPSC के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। तो UP और BPSC, लेकिन क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं वो 5 तारीख से होंगी, 5 जनवरी से। उसका कारण बस ये है कि अभी 25 तारीख क्रिसमस, उसका न्यू ईयर, तो थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट भी होगा इधर उधर। तो आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर 5 तारीख से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे एक बात मैं श्योर कर दूँ कि ऑप्शनल पेपर के अंदर किसी भी ऑप्शनल के अंदर 5 दिनों के अंदर आपकी एक बेहतर समझ डेवलप करवा दी जाएगी, ठीक है। 5 दिनों के अंदर एक बेहतर समझ उस ऑप्शनल पेपर पे आपका डेवलप हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शनल पेपर को डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे सिर्फ ऑप्शनल की ही क्लासेस नहीं, GS मेंस की भी क्लास BPSC के लिए अलग से और UPPSC के लिए अलग से चलेगी 5 तारीख से, वो भी 5 से। और मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और LSW, ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और सेम टेस्ट सीरीज जो है वो यूपी के लिए भी है। हिंदी लिटरेचर को भी ऐड नहीं किया गया, हिंदी लिटरेचर भी जल्द ही ऐड कर दिया जाएगा और इसकी भी स्टार्टिंग 5 तारीख से होगी। टेस्ट सीरीज के अंदर मैं बता दूँ आपको कि टोटल 30 टेस्ट होना है, 30 टेस्ट होंगे इसके अंदर। और 30 टेस्ट के अंदर जो स्टार्टिंग के 10 टेस्ट होगा उसके अंदर कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, कोई भी रैंकिंग कुछ भी नहीं किया जाएगा। जो स्टार्टिंग के 10 टेस्ट हैं उसमें आपको आंसर इम्प्रूव कैसे करें, एक बेहतर आंसर कैसे लिखें, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद के जो रेस्ट 20 टेस्ट है वो फुल पेपर होगा, जैसे मेंस के अंदर पेपर होता है उसी तरह से उसी पेपर पे उसको डिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के 10 टेस्ट आप में हर तरह के क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और ये करवाया गया था BPSC के एग्जामिनेशन में, और जिसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा कि क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा गया, आपको पता है ऑप्शनल और GS का हाल, लेकिन जिन्होंने टेस्ट किया था हमारे यहाँ उनको कहीं से भी कोई घबराहट नहीं, उनको पता था किस फॉर्मेट पे आंसर लिखना है। तो यही इम्प्रूव करवाना। अगर आपको मैं रैंकिंग के साथ अगर फुल पेपर देना शुरू करूँ तो वो जो बारीकियाँ जो सीखोगे वो आप नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए इसको ये सारे हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्टार्टिंग के 10 टेस्ट हैं वहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा हर तरह के क्वेश्चन पे, यानी पूरा ऑप्शनल पेपर पे ही वहाँ पे प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। साथ में GS का तो चलेगा ही, GSP साथ में है। उसी तरह से UPPSC का टेस्ट सीरीज है जिसमें LSW को हटा दिया गया है, बाकी सब ऐड है। और UPPSC के लिए जो क्लासेज हैं, मेन्स GS पेपर भी है, ऑप्शनल की भी क्लासेज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी, यहाँ पे क्लासेस है। सेम फंडा है कि 5 दिन के अंदर ही आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाए। और यहाँ पर भी हम 10 पे प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि UPPSC का जो टेस्ट है, जो एग्ज़ाम है मेंस का, वहाँ पे क्वेश्चन समझ में आने में दिक्कत हो जाती है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर करवा दी जाएगी इस टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ। यहाँ पे अगर किसी को ज्वाइन करना है, कोई इंक्वायरी चाहिए, तो इंक्वायरी नंबर डिस्प्ले में जा रहा है, ब्लिंक कर रहा है, उस इंक्वायरी नंबर पर आप कॉल करके जो भी डिटेल है वो ले सकते हैं। और ये चीज़ें 5 से स्टार्ट होंगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम आपको नोट्स भेजेंगे, मेंस क्लास की नोट्स भेजी जाएगी। तो अगर पहले कर लेते हो ज्वाइन तो पहले नोट्स भेज दिया जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर आप पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो कुछ एक टेस्ट पहले भी करवा दिया जाएगा, उसके अलावा टेस्ट करवा दिया जाएगा 2-3 और। तो आप चाहो तो इंक्वायरी कर सकते हैं।